हर हर महादेव, ओम नमो शिवाय। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों, हरियाली तीज कब है और हरियाली तीज का महत्व और हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त। हरियाली तीज का दिन शंकर भगवान और माँ पार्वती का पूर्ण मिलन का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन हरी चूड़ियाँ पहने और ये भी मान्यता है कि इस दिन हरे कपड़े पहनने चाहिए सुहागिन महिलाओं को। अखंड सौभाग्य के लिए सुहागिन महिलाएं हर साल हरियाली तीज का व्रत करती हैं। हर श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तिथि के दिन सभी विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु यानी कि लंबी आयु, दाम्पत्य जीवन में प्रेम तथा भाग्य उदय के लिए निर्जला व्रत करती हैं। हरियाली तीज के दिन परिवार और तीज माता की पूजा की जाती है। योग्य वर पाने की प्राप्ति के लिए कुंवारी लड़कियां भी इसका व्रत विधि विधान से रखती हैं। सावन के महीने में तीज का व्रत महिलाओं के लिए सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाला माना गया है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं हरियाली तीज की डेट और शुभ मुहूर्त। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पंचांग के अनुसार सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तिथि 18 अगस्त 2023 को रात को 8:01 पर प्रारंभ होगी और तिथि का समापन 19 अगस्त 2023 को रात 10:19 पर होगा। चलिए आपको मैं शिव भोलेनाथ पार्वती माँ की पौराणिक एवं सत्य कथा सुनाती हूँ जो हरियाली तीज पर आधारित है। माता पार्वती माँ शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। कई वर्षों तक उसने इतना भयानक तप किया था। इस कठोर तप और 108वें जन्म के बाद माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तिथि को भगवान शंकर ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से ये सुहाग पर्व मनाया जाने लगा। वहीं सुहागन महिलाओं को सुखद दाम्पत्य का आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। तब तक आप मेरे वीडियो को कमेंट करके राधे राधे ज़रूर लिखना।